नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें कि काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें निकल कर आ रही हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, जो भी खबरें मैं आपके लिए लेकर के आता हूं वो सारी खबरें सिलेक्टेड तो होती ही हैं, साथ ही साथ आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आज की खबर में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे भारत सरकार एक अपना व्हाट्सएप लॉन्च करने वाली है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मौसम को लेकर भयंकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ साथ भारत देश के जो सैनिक हैं उनकी मजबूती में 4 चांद लगने वाले हैं। साथ ही साथ ऐसी बहुत सी बड़ी खबरें हैं, जैसे क्रिकेट की एक खबर होगी, ऐसी बहुत सी खबरें हैं जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है। इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करेंगे सीधे पहली बड़ी खबर से। चमोली ग्लेशियर आपदा पर साफ हुई तस्वीर, इस कारण से तबाही मचने से गई है कई लोगों की जान। जी हां, चमोली जिले में तबाही ऋषि गंगा कैचमेंट एरिया में हुए हिमस्खलन की वजह से मची थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट डाटा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। विशेषज्ञों के अनुसार इस क्षेत्र में हाल में गिरी बर्फ एक चोटी के हिस्से के साथ खिसक गई, जिसने बड़े हिमस्खलन का रूप ले लिया। तो कुल मिलाकर के ये तो साफ हो चुका है कि ये प्राकृतिक आपदा थी जिसकी वजह से ये बड़ी घटना घटित हुई है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे भारत सरकार अपना व्हाट्सएप लॉन्च करने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि व्हाट्सएप का हो चुका है खेल खत्म। मोदी सरकार ने लॉन्च किया नया मैसेजिंग ऐप। दोस्तों, व्हाट्सएप की टक्कर में मोदी सरकार ने नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है। व्हाट्सएप की डेटा प्राइवेसी को लेकर सरकार और आम यूजर्स पहले से ही परेशान था। हाल ही में व्हाट्सएप की नई डेटा पॉलिसी को लेकर जहां आम यूजर्स नाराज हो गए थे, तो वहीं सरकार ने इसकी कार्ड तैयार कर ली है। मोदी सरकार ने देश के लिए अपना मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है। ये फिलहाल सरकारी कर्मचारियों के यूज के लिए पूरी तरह से छूट दी गई है। इस ऐप का नाम है सैंडेस। जी हाँ, इस ऐप को भारत सरकार ने लॉन्च किया है और बहुत जल्द देखते हैं कि क्या आम आदमियों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया जाएगा या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। बात करेंगे आज के हम क्रिकेट मैच की। तो जी हां, आपको बता दें कि आर अश्विन ने एक बहुत बड़ा करिश्मा करके दिखाया है, लेकिन बावजूद इसके भारतीय टीम की हालत बहुत नाजुक है। दोस्तों, 100 सालों में ऐसा कारनामा करने वाले पहले स्पिनर बने हैं रविचंद्रन अश्विन। जी हां, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है, जहां पर चौथे दिन भारत की हालत बहुत बुरी रही और दूसरी पारी में भारतीय टीम 39 रन पर ही आउट हो गई। लेकिन बावजूद इसके आर अश्विन ने एक कमाल कर दिया। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले वो तीसरे स्पिनर बने हैं, लेकिन पिछले 100 साल में वो पहली बार ऐसा कोई कारनामा कर पाया है जो कि आर अश्विन है। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में भारत का हर नियम कानून मान्य, राज्य पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा से पास। दोस्तों, राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में हर वो कानून लागू हो चुका है जो पूरे देश पर लागू होता है। इस संशोधन विधेयक के तहत अब जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा का अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश के कैडर में विलय कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि भारत का हर एक कानून अब फाइनली जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी बात कही है। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस खबर को, सीधे बहुत काम की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की सख्ती से हैरान हुए अफसर, कहा परिणाम भुगतने को रहें तैयार। जी हां, आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कुछ टाइम से अपने प्रदेश में बहुत ज्यादा सख्ती लागू की है और इस वजह से वहां के जो सरकारी अफसर हैं उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को धमकी दे डाली है और उन्होंने कहा है कि इससे आने वाले दिनों में सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, आपको बता दें कि सोने चांदी की प्राइस को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सोना खरीदने का सबसे शानदार मौका, 9300 रुपये तक हो चुका है सस्ता। दोस्तों, आपको बता दें कि सोने चांदी की जो प्राइस है वो लगातार नीचे हो रही है, इस वजह से सोना चांदी खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। बात करें अगर आज की, तो जी हां, सोने में आज के लिए 94 रुपये की कमी देखी गई है और जिसकी वजह से अब फाइनली 46,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर सोना पहुंच चुका है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, आपको बता दें, SBI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, बदल गया ATM से पैसे निकालने का नियम। दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ATM को लेकर एक नया नियम लॉन्च कर दिया है।
इस नियम के तहत अगर आप सभी के बैंक अकाउंट में मान लीजिए कि 3,000 रुपये हैं और आप अपने बैंक खाते से 4,000 रुपये निकालने की कोशिश करते हैं तो आप सभी के ट्रांजैक्शन कैंसिल होने पर ही सीधे आपके खाते से 20 रुपये इस वजह से काट लिए जाएंगे क्योंकि आपने जानबूझकर के गलती की है और आपको पता होते हुए भी कि आपके खाते में 3,000 है, बावजूद इसके आप 4,000 रुपये की निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से आप सभी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो जी हां, मौसम को लेकर भयंकर अलर्ट, अभी नहीं मिलने वाली है सर्दी से राहत, इन राज्यों में होगी बारिश। दोस्तों, दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सुबह और शाम को हल्के कोहरे के साथ ठंड अभी बाकी है। दोपहर में तेज धूप निकलने से लोग सर्दी से राहत मिल रही है। आने वाले दिनों को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में 10 फरवरी तक घना कोहरा रहने की उम्मीद जताई गई है। रोजाना मौसम बुलेटिन में IMD ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी देखी जाएगी। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार समेत अन्य सेलिब्रिटी के ट्वीट्स की होगी जांच, उद्धव ठाकरे सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। जी हाँ, आपको बता दें कि फाइनली उद्धव ठाकरे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि हमने देखा है कि देश में किसान आंदोलन चल रहा है और इसी बीच देश के बाहर यानी कि विदेश से कुछ ऐसे सेलिब्रिटी थे जो किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट कर रहे थे और इसके जवाब में हमारे देश की सेलिब्रिटी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन इसी बीच इनके ऊपर परेशानी आ खड़ी हुई है क्योंकि जितने भी सेलिब्रिटी हैं हमारे देश के, जैसे सचिन तेंदुलकर हुए, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार या फिर कोई भी अन्य सेलिब्रिटी, उनकी जांच अब होगी कि उन्होंने किस तरह का ट्वीट किया, क्या इससे उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है, इसके बारे में जांच की जाएगी और पता चलता है तो इन लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, 5 घंटे से ज़्यादा लगातार काम नहीं कर पाएंगे कर्मचारी, 1 अप्रैल से मोदी सरकार बदल सकती है काम के घंटे और रिटायरमेंट के नियम। जी हाँ, 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेचुटी, PF और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों की ग्रेचुटी और भविष्य निधि मद में बढ़ोतरी होगी, वहीं हाथ में आने वाला पैसा घटेगा, यहां तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। इसकी वजह से पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक, इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। तो आने वाले दिनों में अगर आप भी जॉब करते हैं तो आप सभी को काफ़ी सारे बड़े बदलाव अपनी कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो जी हां, अब साफ और सस्ते ईंधन का इंतजार खत्म, IIT दिल्ली के रिसर्च ने पानी से बना दिया हाइड्रोफ्यूल। दोस्तों, IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने कम लागत में पानी से स्वच्छ हाइड्रोजन ईंधन बना लिया है। विश्व भर में बढ़ती ऊर्जा की मांग और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने की सोच ने शोधकर्ताओं को ईंधन के और अधिक स्वच्छ स्रोत की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। ये स्टडी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एनर्जी सेंटर द्वारा फंडेड की गई है। तो हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी जीत है, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने रियल में ही काफ़ी बड़ा कारनामा करके दिखाया है, जिससे कि आने वाले दिनों में हर किसी को फायदा मिलेगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो अब हमारे देश के सैनिकों की बढ़ेगी ताकत, देश में अब तक 11 राफेल आ चुके हैं, अप्रैल 2022 तक इसकी पुष्टि पूरी तरह से हो जाएगी। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को बताया कि अब तक 11 राफेल विमान भारत आ चुके हैं और मार्च तक 17 और ऐसे विमान भारत को मिल जाएंगे। यह जानकारी राज्यसभा को रक्षा मंत्री के प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में दिया गया। तो हमारे देश के सैनिकों की जो पावर है वो आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ेगी और ये राफेल हमारे देश को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। तो यही था इस वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ भी शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।